बात करेंगे मेरे सबसे सुंदर पौधे की जो है लकी जेड प्लांट। और इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में जानेंगे कि ये पौधा क्या है, इसे प्रोपोगेशन कैसे होता है इसका, और हम इस ऑलरेडी खूबसूरत से प्लांट को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि आपको ये पौधा ज़रूर अपने घर में लाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसको जेड प्लांट तो कहते हैं, इसके साथ लोग लकी जेड प्लांट भी इसको कहने लगे हैं। आई डोंट नो द प्रूवन रीजंस कि इसे ऐसा क्यों कहा जाता है। ऑल आई बिलीव इज़ कि इसे लकी जेड इसीलिए कहा जाता होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड इट्स लाइक अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर आपके पास एक प्यारा सा सुंदर सा प्लांट है तो वो डेफिनेटली आपके एनवायरनमेंट को पॉजिटिव करता है एंड पॉजिटिविटी से क्या आता है, लक आता है। सो इवेंचुअली ये एक लकी जेड प्लांट ही बन जाता है। सो इसके काफ़ी ज़्यादा लोगों की थिंकिंग भी है कि ये लकी है, इट इज़ वेरी लकी टू हैव दिस प्लांट। सो बिलीविंग दैट एंड ऑल्सो दैट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एंड लो मेंटेनेंस प्लांट, सो आई हैव दिस वन। सो चलिए बात करते हैं लकी जेड प्लांट की। ये है एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट। सो बेसिकली ये सकुलेंट तो है बट ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा वैरायटी ऑफ सकुलेंट है। सकुलेंट्स खुद ही बहुत प्यारे होते हैं, लाइक इट्स वेरी इजी टू प्रोपोगेट देम ऑल्सो। सो इसके साथ हम आज इस वीडियो में सीखेंगे कि हमें इसको प्रोपोगेट कैसे करना होता है। अगर आपके पास एक लकी जेड प्लांट है तो आप उससे 10, 20, 30 आप जितने चाहें लकी जेड प्लांट्स बना सकते हैं। और हम इसको अलग अलग टाइप भी दे सकते हैं, हम इसे बॉन्साई के तरह भी रख सकते हैं, हम इसका छोटा सा ट्री भी बना सकते हैं, हम ऐसा टोकरी में भी इसको रख सकते हैं लाइक इन अ हैंगिंग बास्केट, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सॉइल पार्ट। इस प्लांट का सबसे जो मेजर इशू है, जो ध्यान रखने की बात है, वो यही है कि इसकी सॉइल मिक्सचर कैसी है। जेड को एरिएटेड सॉइल चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल चाहिए होती है कि जिसमें पानी हम डालें और वो नीचे से निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि पानी ज़्यादा देर रिटेन नहीं करना चाहता ये प्लांट, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं काफ़ी थिक होती हैं, सो दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ वाटर इन इट। सो इनकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए, कोकोपीट वाली सॉइल इज़ मोस्ट प्रेफरेबल सॉइल फॉर दिस टाइप ऑफ प्लांट। सो ताकि वेल ड्रेन रहे पौधा और उसको जितना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है वो उसे मिलता रहे। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट इट्स सॉइल मिक्सचर, अब हम बात करेंगे कि हमें इसे सनलाइट कितना देना है। लाइक यू कैन कीप जेड एज इंडोर्स एंड आउटडोर्स बोथ। ऐसा कुछ नहीं है कि आउटडोर प्लांट ही है, आप इसे अपना ऑफिस वर्क डेस्क पे भी रख सकते हैं, यू कैन कीप इट इंडोर्स ऑल्सो। बट हमें इंडोर रखते हैं तो हमें ध्यान रखने की बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस पौधे को एटलीस्ट वंस इन अ वीक थोड़ा सा सनलाइट ज़रूर दिखाएं फॉर अराउंड 1 or 2 hours, जो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा इसकी ग्रोथ के लिए। एंड स्पेशली जो अभी ये स्प्रिंग और ये वाला सीजन चल रहा है, इसके अंदर इसकी ग्रोथ मैजिकली होती है। सो इफ़ वी टेक केयर ऑफ दिस प्लांट इन दिस पीरियड वेरी क्रिटिकली एंड डेलिबरेटली, तो आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि काफ़ी सुंदर होता है। लाइक एज यू कैन सी दिस जेड हैज़ बिकम वेरी ब्यूटिफुल इन दिस स्प्रिंग टू सेप्टेम्बर, दिस इज़ गोइंग टू, फिर इसका डॉर्मेंट पीरियड आ जाता है जो कि इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है उस टाइम पे। और समटाइम्स इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ इट वेरी प्रॉपरली तो ग्रोथ में थोड़ा सा ढीला हो जाता है ये पौधा। सो अब हम बात करेंगे कि इसकी सनलाइट पे ध्यान रखने की वाली बात है कि इसको अप्रॉक्सीमेटली इफ़ यू आर कीपिंग इट आउटडोर्स तो 3-4 hours का सनलाइट इज़ वेरी सफिशेंट फॉर इट। आप इसको रख दीजिए धूप में, आप इसको ऐसे भी नहीं है कि दोपहर की जो तपती धूप होती है वहाँ रख दिया है और आपने इसको 3-4 दिन पानी नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ये पौधा नहीं कर पाएगा कोपक। सो यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर वाटरिंग ऑल्सो कि अगर इसकी सॉइल ऊपर से ड्राई हो जाती है, आप हाथ लगा के देख लीजिए कि अगर सॉइल ड्राई है, जैसे कि अगर सॉइल मेरे हाथ पे नहीं चिपक रहा है तो इट बैडली नीड्स वाटर। सो हमें उस टाइम इसे वाटर करना है और प्रॉपरली वाटर करना है, अनटिल एंड अनलेस इसके ड्रेनेज होल्स में से पानी निकलना ना शुरू हो जाए यू हैव टू वाटर इट टिल देन, ताकि इसके बॉटम तक पानी पहुँचे, ठीक है। सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट द सॉइल मिक्सचर, हाउ टू कीप इट इन द सनलाइट, इंडोर्स एंड आउटडोर्स, सो नेक्स्ट इज द प्रोपोगेशन ऑफ जेड प्लांट। एंड आई जस्ट लव प्रोपोगेटिंग दिस प्लांट बिकॉज इट्स वेरी इजी एंड लेट्स जस्ट डू इट।
सो प्रोपोगेशन ऑफ जेड में हमें सिर्फ दो मेन बातें ध्यान रखनी है कि हम जो स्टेम कटिंग चूज़ कर रहे हैं वो एकदम एप्रोप्रिएट होना चाहिए और जो सॉइल मिक्सचर हमने इसके लिए प्रिपेयर किया है वो इसके लिए एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सॉइल मिक्सचर मैं जो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है कोकोपीट और वर्मी कॉम्पोस्ट का मिक्सचर, तो ताकि ये सॉइल हमेशा एरिएटेड रहती है, वेल ड्रेन रहती है और एक प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये स्टेप। सो अब हम इस जेड प्लांट की कटिंग्स लेंगे। कटिंग्स लेते टाइम हमें सिर्फ इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी हम कटिंग ले रहे हैं वो ये टेंडर पार्ट ना हो। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन ग्रीन सा स्टेम है ये काफ़ी टेंडर होता है और सॉफ्ट होता है, ये यंगर बर्ड्स कह सकते हैं हमें। सो हमें ये नहीं लेना है, हमें ऐसा स्टेम लेना है या फिर हमें स्टेम को उस पार्ट से कट करना है जहाँ पे हमें ये डार्क ब्राउन शेड दिख रहा है और जहाँ पे स्टेम काफ़ी ज़्यादा मोटा है। अब जैसे कि मुझे ये वाला स्टेम काफ़ी ज़्यादा मोटा लग रहा है एंड इसका जो ये देख सकते हैं आप जो स्टेम का कलर है इट इज़ ब्राउन और ये प्रोपोगेशन में काफ़ी जल्दी हेल्प करेगा और काफ़ी अच्छे से प्रोपोगेट होगा ये वाला पार्ट। सो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। सो ऑल आई हैव टू डू इज आई विल टेक अ सीजर। सो दिस इज द सीजर विच आई एम गोइंग टू टेक एंड मैं इससे अब इसे कट करने वाली हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस। सो अभी हमने जो कटिंग देखा था मैं उसे क्लिप करने वाली हूँ इस बॉटम से, आप देख सकते हो। सो इट्स वेरी इजी स्टेप, कुछ भी दिक्कत नहीं है करने में। सी मैंने इसको क्लिप कर लिया है यहाँ से एंड इट्स अ वेरी क्यूट स्टेम। सो अब मैं एक ही कटिंग एक ये रख लेती हूँ और मैं 2-3 कटिंग्स और लूँगी इसके साथ ही साथ, जो भी मुझे लगेगा ब्राउनिश है नीचे से बॉटम से। आई एम गोइंग टू टेक देम, एक कटिंग ये ले लेती हूँ। ब्यूटीफुल। ये कटिंग से एक बेनिफिट और होता है कि प्लांट की प्रूनिंग हो जाती है जिससे उसकी ग्रोथ और ज़्यादा अच्छे से होती है। हमें प्रूनिंग हर प्लांट के साथ करनी चाहिए ताकि वो प्लांट को ग्रो करने में और अच्छे से हेल्प करे। सो या दिस इज़ ऑल्सो वेरी परफेक्ट स्टेप टू कीप योर प्लांट्स लॉन्गर एंड ब्यूटिफुल। सो दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट कटिंग फॉर टुडे। या सो गाइज हमने यहाँ पे काफ़ी सारी कटिंग्स कलेक्ट कर ली हैं जेड की और अब हम इन्हें प्रोपोगेट करेंगे। अब हम इन्हें हमारे सॉइल मिक्सचर में प्लेस करेंगे ताकि इनकी रूटिंग हो सके। सो मेरा जो यहाँ पे सॉइल मिक्सचर है, जैसा मैंने बताया आपको, कोकोपीट और वार्मी कंपोस्ट का मिक्सचर है। आप इसमें सॉइल या सैंड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें सिर्फ ये दो ही चीज़ें ऐड करी हैं बिकॉज आई बिलीव कि दीज आर इनफ फॉर अ मैजिकल ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो कोकोपीट काफ़ी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, हम बात कर चुके हैं मेरे वीडियोज़ में। मैंने कोकोपीट पर एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जेड के लिए ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा सही है। सो आई एम यूजिंग दिस। तो अब हमने जो कटिंग्स कलेक्ट की है, मैंने काफ़ी बड़े कटिंग्स कलेक्ट की हैं क्योंकि मैं ऐसी ही टोकरी बनाना चाहती हूँ इस सिरेमिक ट्रे में। तो मैं क्या करूँगी, जो भी मैंने स्टेम कलेक्ट किया है इसके बॉटम से, जो भी ये 2-3 इंचेस का इसका बॉटम का जो भी लीव्स हैं यहाँ पे, मैंने ये लीव्स हटा लूँगी सो दैट मैं इस वाले पोर्शन को सो कर पाऊँ इस सॉइल में। सो अब मैंने सेम हम ऐसे ही करेंगे बाकी के स्टेम कटिंग के साथ भी, हम सबके बॉटम में से लीव्स हटा लेंगे सो दैट इनका जो भी रूट फॉर्मेशन है वो जल्दी से हो पाए। सो आई फील सो बैड ये छोटे छोटे लीव्स जा रहे हैं बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल ट्रांसफॉर्मेशन। सो अब हम काट चुके हैं इन स्टेम कटिंग्स को। सो मैं अपने इस सिरेमिक ट्रे के अंदर इन सभी को प्लेस करने वाली हूँ। आप इन्हें कोई भी फॉर्मेशन दे सकते हैं, बॉन्साइज का दे सकते हैं, एक जेड ट्री बना सकते हैं, टोकरी बना सकते हैं, जिनके वीडियोस हम लोग खुद बनाने वाले हैं आगे। सो ये काफ़ी
काफ़ी ब्यूटीफुल सा लग रहा है ऑलरेडी। अब इसके प्रोपोगेशन में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, लाइक इट इज़ गोइंग टू टेक 15 to 20 days और इसका रूट फॉर्मेशन हो जाएगा। इट्स डन। सो ये ऑलरेडी काफ़ी क्यूट सी टोपी बन चुकी है एक सिरामिक की, एंड इसके रूट फॉर्मेशन में अब जितना टाइम लगेगा 2 to 3 weeks, तो ये काफ़ी जल्दी ग्रो करेगा इस सीज़न में। तो अगर आप लोगों के पास जेड प्लांट है तो जल्दी से प्रोपोगेशन कीजिए, और अगर नहीं है तो जल्दी से लेकर आइए, क्योंकि ये काफ़ी खूबसूरत पौधा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। हमने जाना कि जेड प्लांट क्या है, हमें कैसे इसका सॉइल मिक्सचर रखना चाहिए, कैसे हम इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने सजेशंस ज़रूर देते रहिए। और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ जल्दी। बाय। फील ग्रीन।